two students of class 7. I am Sana Ahmed. Let's start with physics. And today we will discuss about chapter number 3, energy. In this chapter we will learn about energy, law of conservation. So kids, here is an introduction. So kids, jab hum किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और जब वो बॉडी एक डिस्टेंस तक मूव होती है तब हम कहते हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन. सो वर्क एक एनर्जी का ही फॉर्म है. जब हमें कोई काम करना होता है तो वी नीड एनर्जी, राइट. जब हम वाटर को एक पर्टिकुलर हाइट से जब उसे नीचे की तरफ भेजते हैं तो क्या होता है, उस वाटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. लेकिन जब वो वाटर गिरता है नीचे की तरफ तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस उसी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर. इट सेज एनर्जी को ना हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो किड्स, लेट्स नो मोर अबाउट इट. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर एनर्जी एंड वर्क. सो किड्स, अब तक हम आप ये समझ गए होंगे कि वर्क डन कब होता है. सो किसी भी काम को करने के लिए जो हमें जो कैपेसिटी होती है वही हमारी एनर्जी होती है. वर्क इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ जूल आफ्टर जेम्स जूल. सो किड्स, वी कैन से दैट वर्क एंड एनर्जी आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. सो वर्क इक्वल्स चेंज इन एनर्जी. बिना एनर्जी के कोई भी वर्क नहीं हो सकता. सो इसीलिए दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है. एनर्जी ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी. सो किड्स, जैसा कि वर्क की एनर्जी जूल थी, वर्क की यूनिट जूल थी, जस्ट लाइक दैट एनर्जी की भी यूनिट जूल और कैलोरी है. SI यूनिट जूल है एनर्जी की. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सो किड्स, एनर्जी अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स जस्ट लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सोलर, न्यूक्लियर, केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट्सेट्रा. सो लेट्स नो मोर अबाउट इट. मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी आप अपने आसपास इसे बहुत देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं. ये एनर्जी मूविंग एनर्जी है. जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जस्ट लाइक पीपल आर रोलिंग बाइसिकल, मूविंग गियर्स, रनिंग कार्स. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी पजस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. एग्जाम्पल, एनी मूविंग बॉडी पजेसेस काइनेटिक एनर्जी. कोई भी बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है. नाउ पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है वो कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन पर बेस्ड होती है. जैसे कि वो अर्थ से कितनी हाइट पर रखी हुई है. साउंड एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है वो साउंड एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है. जस्ट लाइक वॉइसेस, विसल्स, हॉर्न्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. केमिकल एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन जब इसे हम किसी केमिकल से कंबाइन कर देते हैं तो फिर जो एनर्जी फॉर्म होती है उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं. जस्ट लाइक स्ट्राइकिंग अ मैच बॉक्स, मैच, कंबाइनिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा इन फॉर्म CO2 गैस. न्यूक्लियर एनर्जी, सो न्यूक्लियर एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है जब हम किसी दो एटम को
किसी भी एटम को स्प्लिट करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. जस्ट लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड द ह्यूज द सन. सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है वो सन से रेडिएट हुई हुई जो एनर्जी है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं. ये बहुत ही सालों से यूज़ की जा रही है अलग अलग तरीके से. ये एक ट्रेडिशनल ह्यूमन यूज़ में यूज़ होती है, जैसे कि हीटिंग, कुकिंग, ड्राइंग, इन सब चीज़ों में यूज़ होती है. आपने देखा होगा सोलर पैनल्स, सोलर कुकर, सोलर सेल्स. यस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सोलर एनर्जी. दे कन्वर्ट द सोलर रेज ऑफ सन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो किड्स, अब तक हमने ये तो समझ गए हैं कि वे नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, बट वी कैन चेंज इट टू वन टू अनदर फॉर्म, राइट? सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ड्राइविंग अ कार, जब आप कार ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं तो जो उसमें फ्यूल होता है वो क्या होता है, बर्न होता है और गैसेस एक्सपैंड होती हैं. सो इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. बॉइलिंग अ केटल, जब आप वाटर इलेक्ट्रिक केटल में बॉयल करते हैं तो क्या होता है, फिर वही कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो फिर से भी काम आता है. इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है. रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर की राइड तो बहुत ही थ्रिलिंग होती है, ठीक है, लेकिन अगर इसे फिजिक्स से कंपेयर करें तो आपको इसमें मिलेगा बोथ एनर्जी एंड वर्क का कॉम्बिनेशन, और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी इसमें इन्वॉल्व है. हाउ, लेट्स सी. जब उस रोलर कोस्टर के हिल पर जब वो कोस्टर पहुंचता है तो एट द पिक ऑफ द कोस्टर वी कैन ऑब्जर्व दैट पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई, लेकिन वही जब वो कार एकदम लोअर वैली पे पहुंच जाता है कोस्टर के तो वही वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है. सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक, देन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू पोटेंशियल, देन वंस अगेन पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक. दिस इज हाउ इट वर्क्स. प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना. ये तब होता है जब हम डैम्स में वाटर को स्टोर करते हैं, तब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. जो एनर्जी, जो वाटर जो स्टोर है वो डैम में, वो पोटेंशियल एनर्जी कैरी किए होता है. वहीं नीचे डैम्स के टर्बाइंस लगे होते हैं बिल्कुल लोअर लेवल पर. जब ये पानी रिलीज़ किया जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी लेकर के जब नीचे की तरफ आता है तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. फिर इसी काइनेटिक एनर्जी से हम इसी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस. अभी टर्बाइंस क्या करते हैं, जनरेटर्स को रन करना शुरू कर देते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जीज को लेकर के पहले काइनेटिक में, फिर काइनेटिक से मैकेनिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, और इस तरीके से एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है और ना ही क्रिएट होती है, बस क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. सो किड्स, ही इज़ अ रिकैप रिलेटेड टू द चैप्टर, रीड इट वेरी केयरफुली. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe and study hard.